निरंजन प्रभा बैरी अम्मा अदे विधा बाबूभाई चौड़ा गुजरात प्रदेश मंत्री। महिलाओं को मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग श्री माता वाहन ग्रुप आम प्रति हृदय आम बोमको आम ओक बाणम बटी आम विध्वांस कवल को फिर से देख रहे हैं। एक बार तजुर्बे से बोल रही हूं मैं, अनुभव व्यक्ति ना एक नंबर। फिर भी कवल को फिर से देखो, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं बेटा परीक्षा में जा रहा है फिर भी सवाल पढ़ो, बाजू मार्क देखो, जब तुम जवाब देते हो तो बाजू क्वेश्चन का नंबर दे दो, हॉल टिकट देखो, इतना समझा के दिखाते हैं ना बच्चों को। अब हमारी जिम्मेदारी है ईवीएम में नंबर वन देखो, अखिल भाई का नाम देखो, फोटो देखो, कवल को देखो, तब बटन दबाओ तो की बोल के छोड़ डाला। हम बच्चों को क्या बोलते हैं, पूरा तीन घंटे बैठो, जल्दी भाग के घर मत आना, फिर याद आ जाए तो क्वेश्चन का नया जवाब। इसीलिए हम भी जब तक की मशीन पे और बाजू मशीन रहती है उसके अंदर कवल का फोटो बाहर दिखता है एक प्लास्टिक के अंदर से, इतना सारा देखना पड़ता है। तो पहले आप जाएंगे नंबर वन देखेंगे, बाजू कपिल भाई का नाम देखेंगे, फिर उनका फोटो देखेंगे, उसके बाजू सफेद कवल का एक पिक्चर देखेंगे, बटन दबाएंगे आवाज आएगी, वहां पर फोटो निकलेगा कमल का, तब समझ लेना हाँ मैंने कपिल भाई को होता है। इतना सुशील, इतना शांति है उनके घर में, कितना विनम्रता है उनके घर में, यही कहता यही बता देता है कि उनमें कितना सबर है। आप सबका उन्नति और प्रगति में अपना समय बिताने के लिए नरेंद्र मोदी जी हीरे चुनने में बहुत बड़े माहिर हैं, बहुत बड़े माहिर हैं नरेंद्र मोदी जी हीरों को चुनने में, और उनमें से एक अव्वल हीरे हैं हमारे कपिल साहब। एक बात याद रखिए, अपना बाल साहेब ठाकरे जी का उद्देश्य, अपने शिंदे जी का मेहनत, अपना फडणवीस भाई का चतुरता और कपिल भाई का प्यार को जिताना पड़ेगा आप सबको। एक बार बोलेंगे जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की, जय बोलो कपिल भाई की। अब की बार कपिल भाई, अब की बार, अब की बार, अब की बार, और जरा जोर से भाई, अब की बार, अब की बार। हाँ वहां जाइए, जब वोटिंग का दिन आएगा सफेद कवल दिखेगा वहां।